सो हेलो एवरीवन, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे पूछा था कि आप कोई ऐसा टॉपिक सजेस्ट कीजिए जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर डिमांड आई थी कि कैसे सर, व्हाट इज़ द राइट अप्रोच टू सॉल्व आरटीपी, एमटीपी या पीवाईक्यू। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये वीडियो को कोई भी लेवल, चाहे आप सीए फाउंडेशन में हो, सीए इंटरमीडिएट में हो, सीए फाइनल में हो, तीनों लेवल के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश करने वाला हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके साथ, मैं थ्योरी सब्जेक्ट की बात करूंगा। आप क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन को पहले थरली रीड कीजिए। फर्स्ट टाइम में आपको समझ में आ जाता है क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर क्या होने वाला है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाती है एक ही झटके में। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, समझ लेना बहुत चिल्टू सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, उसको रीड केयरफुली करके छोड़ देंगे, समझ रहे, बात को छोड़ दीजिएगा, बस बहुत हुआ। उसके बाद देखिए, अगर आपको कंफ्यूज होता है वो क्वेश्चन में, आपको समझ नहीं रहा कि यार अब क्या करूं करके, तो ऐसे केस के अंदर आपने क्या कीजिए, वो क्वेश्चन को लिख के, प्रैक्टिस इट का मतलब होता है लिख के, अब आपको क्या करना होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना होगा। उसके बाद लिखने के बाद आपको लगता है अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल था, वो क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, आपको दोबारा मतलब वो क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूज होता है ना, तो मार्क करके रखिएगा उसे इंपॉर्टेंट, ताकि आप बाद में उसको फिर से गो थ्रू कर सके। अब कभी कभार कोई जो क्वेश्चन है वो भली इजी होता है, लेकिन कंफ्यूज आपको लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सवाल था, तो उस क्वेश्चन को भी मार्क करके रखिएगा। केवल उसका आंसर इजी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको हमने स्किप कर दिया करके, ऐसा नहीं करना है। देखिए हम जो तैयारी कर रहे हैं ना, हम ऐसी तैयारी करेंगे कि हमको एग्जाम के डेढ़ दिन पहले हम लोग पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाना चाहिए, हमको ऐसी तैयारी करना है। ठीक है, थ्योरी सब्जेक्ट का यहाँ पे समाप्त हुआ। अब मैं आपके साथ बात करूंगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, उसके क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद उस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं, समझना। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब ये क्वेश्चन कोई पॉइंट से, मतलब कोई ना कोई टॉपिक से रिलेटेड होगा, साइड में लिख के रखिएगा ये टॉपिक का सवाल ये पूछा गया है करके। उसके बाद उसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करके रखना है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होंगी उसको मार्क करके रखिएगा, या वो पूरा के पूरा क्वेश्चन आपको लगता है कि बहुत सही था, बहुत ट्रिकी था, उसको मार्क करके रखिए। सिमिलर क्वेश्चन आपको अगर आता है कोई, तो उसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जितना हो सके उतने क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करते हुए रहना है और इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करते हुए रखिएगा। एक और चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने क्या करना चाहिए, एक है ना बेटा, एक तो अलग से नोटबुक बना लीजिए या डायरी बना लीजिए, जहां पे आप एक, मान लीजिए कोई टॉपिक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए जैसे सीए फाउंडेशन के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आप पूरे आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं, आपको जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना आप वो लिखते जा रहे हो, और उसका पेज नंबर या कौन से ईयर की आरटीपी है वो भी आपने एक जगह पे पूरा लिख के रख दिया। अब इससे ऐसा आपने हर एक सब्जेक्ट के लिए करके रखिएगा, तो इससे क्या हो जाता है, एग्जाम के पहले दिन का आपका समय बच जाएगा आपको ढूंढने में, नहीं तो इधर उधर हम लोग ढूंढते रह जाएंगे और हमको चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई भी आपको ऐसा सवाल है जो आपको सता रहा है कि आपको नहीं समझ रहा है क्या करें, तो आप कमेंट कर दीजिए, या आप मुझे इस आईडी के ऊपर डीएम कर सकते हैं, या दूसरा चीज आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए और वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। यहां करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा जल्दी देखने में, इधर जनरल चीज हो जाती है, कभी कभार छूट जाता है कोई मैसेज, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं टेलीग्राम पे, तो इसलिए ठीक है। तो ये वाली चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया कर दीजिएगा, लिंक ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में पिन है। वीडियो को लाइक नहीं कर दीजिए यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे अमेजिंग से वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाते रहूंगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।